दोस्तों, भूतिया प्रेग्नेंट सौतेली माँ के पार्ट टू में हमने देखा मीना की चुड़ैल ने किस तरह अनाथ आश्रम के बच्चों की जान उस सरला डायन से बचाई, पर किसी भी तरह डायन को मारने में नाकामयाब रही। आखिर में मीना चुड़ैल दुखी होकर एक तांत्रिक बाबा के पास गई। तांत्रिक बाबा, आप किसी भी हालत में उस डायन को मारने के लिए मेरी मदद कीजिए, नहीं तो वो डायन एक एक करके सभी बच्चों को अपना निशाना बना देगी। आप जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालिए। अरे चुड़ैल बेटी, इतना टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। मुझे एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। मीना की चुड़ैल तांत्रिक बाबा की बात सुनकर बहुत खुश होती है और बाबा के साथ यज्ञ की तैयारी करने लगती है। इधर बाबा भी यज्ञ शुरू कर देते हैं। सकल का बूम बूम, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, जल्दी जल्दी चुड़ैल की डिलीवरी हो, 80-90 पूरे 100 बर्फी बन के दानव को मारने का अस्त्र जल्दी से बाहर हो। बाबा का यज्ञ खत्म होते ही हवन कुंड के अंदर से एक तलवार बाहर आता है। तभी उसी समय तांत्रिक बाबा के जादू से चुड़ैल के पेट से एक बच्चा बाहर आता है और बाहर निकलते ही तांत्रिक बाबा के कंधे पर आकर बैठ जाता है। अरे ओ तांत्रिक बाबा, जल्दी से मेरे साथ घोड़ा घोड़ा खेलो, पेट के अंदर रहते रहते मैं बहुत बोर हो गया हूँ, अब से मैं सारा दिन खेलता ही रहूँगा। अरे ओ चुड़ैल के शैतान बेटे, मैंने तुझे एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बाहर निकाला है, पर तू तो मेरे कंधे पर ही आकर बैठ गया। कमबख्त करम जले शैतान, जल्दी से मेरे कंधे से उतर, नहीं तो तेरी वजन से मेरा कंधा टूट जाएगा। मोनू तांत्रिक की बात सुनते ही कंधे से उतर जाता है और तांत्रिक बाबा को गुस्से से कहने लगता है। अरे ओ बूढ़े तांत्रिक, तूने मुझे किस जरूरी काम के लिए बाहर निकाला है? जल्दी से तेरा काम बता, नहीं तो मैं फिर से अंदर चला जाऊंगा। चुड़ैल के बिगड़े हुए औलाद, अपनी सारी नौटंकी बंद कर और चुपचाप मेरी बात सुन। मैं और तेरी माँ चुड़ैल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए तेरा आह्वान किया है, इसलिए नौटंकी बंद करके चुपचाप अच्छे से मेरी बात सुनकर काम पर लग जा। अच्छा ठीक है तांत्रिक बाबा, जो कहना है थोड़ा जल्दी कहिए, मुझे जल्द से जल्द काम पर भी तो लगना है, नहीं तो आपकी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक जाएंगे। बेटा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बर्फीला पर्वत है, उसी पर्वत के नीचे एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाला दानव रहता है। वो दानव एक पिंजरे की रखवाली करता है, उस पिंजरे में एक चिड़िया रहती है, तुम्हें बस उस चिड़िया को खत्म करना है। अरे ओ बूढ़े तांत्रिक, चिड़िया को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर उस दानव को क्या आपका नाना मारेगा? मोनू की बातें सुनकर चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर अपने बच्चे मोनू से कहती है। बेटा तुम इंसान नहीं शैतान जरूर हो, पर तांत्रिक बाबा से ऐसी उल्टी सीधी बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तांत्रिक बाबा हमारी मदद कर रहे हैं, अगर ये तुम्हारा आह्वान कर सकते हैं तो तुम्हें भस्म भी कर सकते हैं, इसलिए चुपचाप इनकी बातें सुनो और काम पर ध्यान दो। मोनू अपनी माँ की बातें सुनकर दुखी हो जाता है और बाबा से माफी मांगने लगता है। उसी समय तांत्रिक बाबा मुस्कुराते हुए मोनू से कहते हैं। बेटा, हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए ये लो तलवार, ये तुम्हें उस दानव को मारने में सहायता करेगा। मोनू तांत्रिक बाबा से तलवार लेकर बर्फी वन में बर्फीले पर्वत की ओर जाने लगता है। मोनू कुछ दूर जाते ही देखता है एक जख्मी बूढ़ा इंसान रास्ते में पड़ा हुआ है। मोनू को उस बूढ़े इंसान को देखकर बहुत दुख होता है। मोनू धीरे धीरे उस इंसान के पास जाता है। अरे ओ बूढ़े बाबा, आप तो बहुत ही जख्मी हैं। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपका घर कहाँ है मुझे बताइए, मैं आपको आपके घर पहुँचा दूंगा। अरे बेटा, मैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही रहता हूँ, अगर तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ आओगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े इंसान की बातें सुनकर मोनू जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बूढ़े बाबा, मरने के बाद मुझे दुनिया में भेजा, इससे ज्यादा अच्छा मेरे साथ और क्या हो सकता है? आप तो मुझे दुआ के बदले कुछ खाने को दे दीजिए, जब से दुनिया में आया हूँ कुछ खाने को ही नहीं मिला। मोनू बूढ़े इंसान को उठाकर उनके घर की तरफ ले जाने लगता है।
कुछ देर बाद मोनू बूढ़े इंसान को उनके कुटिया के बाहर छोड़ देता है। मोनू जैसे ही बूढ़े इंसान को कुटिया के बाहर उतारता है, वो बूढ़ा इंसान दानव में परिवर्तित हो जाता है। मोनू अपने सामने इतने बड़े दानव को देखकर हैरान रह जाता है। अरे मैया रे, वो बूढ़ा इंसान तो दानव बन गया। अब इतने बड़े दानव से मैं कैसे सामना करूं? तांत्रिक बाबा ने तो एक छोटा सा तलवार दिया है, इतने छोटे तलवार से मैं इतने बड़े दानव को कैसे खत्म करूं? मोनू को परेशान देखकर दानव मोनू से कहता है, क्यों रे पिद्दी सा शैतान, तू क्या अपने आप को सूरवीर समझता है जो पिंजरे के तोते को मारने के लिए आया? मैं क्या तुझे छोड़ दूंगा? मैं तो बहुत समय पहले से तेरा इंतजार कर रहा था। अब तो मैं सिर्फ तुझे खाने के लिए उत्सुक हुआ जा रहा हूँ। तुझे खाने के बाद मेरी शक्ति दुगनी हो जाएगी। दानव मोनू को ये कहकर जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, उसी समय मोनू धीरे से वो तलवार निकालकर दानव के छाती पर मार देता है। दानव के छाती पर तलवार मारते ही वो जमीन पर गिर जाता है और छटपटा कर मर जाता है। मोनू दानव को मरता देख बहुत खुश होता है और मन ही मन कहता है, अरे वाह, मैं तो किसी सुपर हीरो से कम नहीं। इतना बड़ा होने के बावजूद भी मैंने इस दानव को मार डाला। सच में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो और कोई हो ही नहीं सकता। मोनू खुशी खुशी पिंजरे के पास जाने लगता है। मोनू कुछ दूर जाते ही उसे एक बहुत बड़ा पिंजरा और उसके अंदर एक चिड़िया दिखाई देती है। मोनू चिड़िया के पास जाकर कहता है, अरे ओ मेरी प्यारी चिड़िया, अब तुम्हारा ऊपर जाने का समय हो गया है। ज्यादा दुखी मत होना, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूँगा। मोनू जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खोलने लगता है, तभी अचानक मोनू के सामने सरला डायन आ जाती है। अरे ओ दो फुटिया लड़के, क्या तुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मेरी चिड़िया को लेकर छेड़खानी कर रहा है? चुपचाप पिंजरे के पास से हट जा, नहीं तो मैं तुझे खाकर अपना पेट भर लूंगी। अरे ओ सरला नानी, तुम अपने नसीहत अपने पास ही रखो। मैं बच्चा जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मोनू डायन को ये कहकर पिंजरे से चिड़िया को निकाल कर उसे गला दबा कर मार देता है। चिड़िया का गला दबा कर मारते ही सरला डायन जमीन पर गिर जाती है। इधर मोनू सरला को जमीन से उठाकर सीधा तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है। बाबा मोनू को सरला के साथ आता देख बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत ही जल्दी अपना काम खत्म कर लिया। अब तेरे सरला नानी को होश में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर पवित्र जल सरला के ऊपर छिड़क देते हैं। सरला के ऊपर पवित्र जल छिड़कते ही सरला होश में आ जाती है। होश में आकर अपने सामने तांत्रिक बाबा को देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे दादा रे, ये मैं कहाँ आ गई? अरे ओ बूढ़े तांत्रिक बाबा, क्या मुझे कोई सदमा लगा था? आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अरे ओ सरला बहन जी, आपके ऊपर तो एक डायन का साया था। उसी डायन ने अपना सपना पूरा करने के लिए गांव के कितने बच्चों को अपना निशाना बनाया। सरला तांत्रिक की मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और बाबा से कहती है, तांत्रिक बाबा, मैंने अनजाने में ही सही बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं उस गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ, इसलिए तांत्रिक बाबा, मैं आपकी सेवा करके इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तांत्रिक बाबा सरला की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और सरला को अपनी सेवा के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। इधर सरला भी अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए तांत्रिक बाबा की जी जान से सेवा करने लगती है।